इससे भैया को देखो डर नहीं लग रही है कैसे करूं। अबे चीज बड़े से बड़ा कितना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज मैं बहुत टाइम बाद ये वीडियो बना रही हूँ गाइस, मतलब बहुत टाइम हो गया मुझे वीडियो नहीं बनाए हुए, तो मैंने आज ये वीडियो बनाने का सोचा है। तो आज हम लोग जा रहे हैं नुमाइस, क्योंकि हल्द्वानी में लगी है, काफ़ी टाइम से लगी हुई है। आप लोग जो जो हल्द्वानी में रहते हो उनने देखा ही होगा, एंड जो जो गया है कमेंट करके भी बताना। एंड तो देखते हैं आज क्या क्या होने वाला है नुमाइस में, क्या क्या धमाल मचाते हैं हम। बाहर बाहर से तो मैं जाके देख आई हूँ, बाहर बाहर से जाके देखे आई हूँ, इनका मतलब ये है कि हम बाहर बाहर से आते जाते रह रहे हैं तो देख लिया है, बट अंदर नहीं गए हुए। एंड काफ़ी मैंने यूट्यूब में भी देख लिया, बहुत लोग जाके वहाँ बना लाए हैं वीडियोज़। एंड तो आज हम भी चलते हैं, हम भी बना के लाते हैं, देखते हैं हमको क्या कंटेंट मिलता है वहाँ से। तो फिर गाइस चलो चलते हैं नुमाइस को, एंड दिखाते हैं वहाँ क्या क्या हो रहा है। सो गाइस मुझसे जितना भी रिकॉर्ड हो पाएगा मैं वो रिकॉर्ड करूँगी, एंड मैं बीच बीच में भूल भी जाती हूँ कैमरा ऑन करना। गाइस हम बैक साइड पहुँच गए हैं, अब फ्रंट साइड जाएंगे, एंड आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। दिखाएंगे कैसे हम फ्री के झूले झूलते हैं आज। सो गाइस गेट से अंदर एंटर करते ही सामने है टिकट काउंटर। सो गाइस हम अंदर पहुंच गए हैं और डायरेक्टली जाते हैं झूलों की तरफ, झूला झूलते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं जॉइंट व्हील में, ये देख सकते हो आप, ये पहला झूला है जिसमें हम लोग जा रहे हैं, एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस, देख सकते हो आप मुझे। तो गाइस हम इससे आ गए हैं, अब जाएंगे इस वाले में, सेकंड ये वाला है हमारा। जा रही हूँ मैं डिस्को डांस में, एंड मुझे झूला काफ़ी अच्छा लगता है, एंड बगल में ही भूत बंगला है तो काफ़ी डरावनी आवाज़ें आ रही हैं, आप सुन सकते हैं। तो गाइस आप देख ही सकते हो कितना तेज घूम रहा है, इसमें बैठ के तो मेरा सिर चकरा ही गया था। अभी हम लोग ले रहे हैं पापड़। तो गाइस अभी हम घूम रहे हैं मार्केट में, एंड ये देख लो यहाँ की मार्केट, जहाँ 5 रुपए से लेकर 10 रुपए से लेकर, एंड काफी सुंदर सुंदर बैग्स भी लगे हुए, काफी अच्छा था। और ये फ्लावर की दुकान तो बहुत प्यारी लग रही है। अभी हम लोग खा रहे हैं छल्ले, ये आंटी बना रही है मसाले। हो गया था सिर में दर्द, इसलिए हम ले आए ये खाने के लिए। तो गाइस यहाँ से हम ये ले रहे हैं, और गाइस बगल में ही एक लेचर वगैरह की दुकान है, यहाँ सब चीज़ 10-10 रुपये मिल रही है, और काफ़ी अच्छा है सारा सामान। हमने कुछ इतना सारा सामान लिया वहाँ से, एंड गाइस अब हम लोग जा रहे हैं कार वाले में, कार चलाएंगे अब हम। चल रही है।
हमने ले रही है भेलपूरी एंड ये इतना बड़ा स्टॉल लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा है। सो गाइस मैं नुमाइश से घर आ चुकी थी, हमारे फोन की बैटरी डेड हो गई थी इसके वजह से मैं उसके आगे रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बट हमारा लास्ट फिश टनल ही था, उसके बाद हम लोग भी घर को आ गए थे, घर से फ़ोन आ गया था कि आ जा करके, तो काफ़ी लेट भी हो गई थी, 10 बज गए थे हमको आते आते। एंड गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, इतना ज़्यादा रश भी नहीं था, तो इसलिए मतलब अगर आप सैटरडे संडे जाओगे तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी रहती है झूलों में, बहुत टाइम तक नंबर ही नहीं आता, बट जाते हो वीकेंड्स में नहीं जाते हो तो आपको फ़ायदा हो जाता है कि आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता है, एंड ऊपर से हमको तो वैसे भी लाइन में नहीं लगना पड़ा, हम लोग ने फ्री में ही झूले सारे झूले, क्योंकि कॉलेज के भैया लोग हमारे दोस्त थे एंड इसके वजह से हमको फ्री में मिले, 6 या 7 झूले झूले हमने और वो भी सब फ्री में, एंड सब में बहुत ज़्यादा मज़ा आया कि खाने पीना और सभी चीज़ अच्छी थी, मतलब कुछ भी बेकार नहीं कह सकते आप, सब चीज़ अच्छा था वहाँ। एंड जो अभी तक नहीं गया वो भी जाके ट्राई करो, जाना नुमाइश देखने, एंड काफ़ी अच्छा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।